पहले तो मैं अपने पार्टी के हमारे जो लाडले सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी को मैं बधाई देता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को, कि जो पार्टी ने एक उत्तर भारतीय को देख करके अपना वर्चस्व कायम किया उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ। भाजपा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आभारी हूँ। हमारे जैसे लाडले गोपाल सेट्टी जी, हमारे सभी आमदार, उन लोगों का आभारी हूँ। अतुल भातखळा जी, योगेश सागर जी, हमारे विनोद तावड़े जी, ये सभी लोगों का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये सहयोग किया इसमें। उसके लिए मैं इन सभी लोगों आमदारों का आभारी हूँ। और पार्टी ने जो एक उत्तर भारतीयों में एक ऐसे वर्चस्व काम जो अपना विश्वास दिखाया उत्तर भारतीयों के, नहीं हम लोग उत्तर भारतीयों के साथ में हैं, जो सभी लोग बीच में चल रहा था कि भाई उत्तर भारतीयों को नहीं मिला, नहीं मिला, इसके लिए उन्होंने पार्टी ने करके दिखा कि नहीं हम उत्तर भारतीयों के साथ में है। तो मेरी उत्तर भारतीयों सभी अपने यूपी के और आदिवासियों से मेरी विनती है कि आप लोग सभी लोग बीजेपी का साथ दें, जिससे बहुमतों में सभी जो भी कैंडिडेट हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सभी लोग जीत के आए। उसमें जो पार्टी ने विश्वास दिखाया है, हमारे देवेंद्र फडणवीस जो विश्वास दिखाया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी, उत्तर भारतीयों की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत आभारी। मलाड विधानसभा में पिछले कई सालों से कांग्रेस के आमदार चुन के आते हैं और जो अभी भी वर्तमान वहाँ पे आमदार हैं आपके साथी भी रह चुके हैं, कितना टफ मानते हैं इस लड़ाई को? जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जहाँ महाराष्ट्र के हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हैं, मैं इसी चीज़ को मैं टफ नहीं मान रहा, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास जो भी हमारे साथ में थे लेकिन उनका कुछ कोई वर्चस्व, क्योंकि उनके सामने वैसा कोई लड़ने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज है दोनों पार्टी के सामने जहाँ पे हमारे साथ देवेंद्र फडणवीस जी का सीएम साहब का साथ है और वहाँ आशीर्वाद है और हमारे नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, वहाँ पे कोई टक्कर है ही नहीं हमारी कांग्रेस पार्टी की जो हमारे उम्मीदवार है। आपके दोस्त का कुछ मैसेज आया बधाई के लिए जो वहाँ पे ऑलरेडी? हम भी उन्हें दिया हूँ बधाई उसके लिए। ठीक, हम लोग आमने सामने लड़ेंगे तो हमारी पहले की भाई ठीक है, लड़ना अपना काम स्वभाव। कभी साथ में दोस्ती हुआ करती थी आज एक दूसरे से? सर नहीं, वो तो पार्टी नहीं, वो तो ठीक है, दोस्ती तो रहेगी, दोस्ती कहाँ जाएगी, दोस्ती रहने वाली, दोस्ती भी हम नहीं कहेंगे, वो करेंगे, हमारी दोस्ती हर सभी के साथ में। मालवनी की जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं, स्लम एरिया है, पानी नहीं, मुझे मालूम है मालवनी की जो समस्याएं, पानी की समस्याएं हैं, गटर की समस्याएं हैं, कुछ क्राइम की समस्याएं वहां पे, ये सब मुझे मालूम है। लेकिन ये है कि आपको विश्वास देता हूं कि जैसे ही चुन के आने के बाद ये सभी समस्याओं को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, पूरा हो सकेगा तो मुझसे वहाँ की जनता का मैं आशीर्वाद लेने के बाद उस समस्या को मैं दूर कर सकता। कई समस्याएं शौचालय की समस्या जो इतने इतने लंबों तक बैठे हैं हम लोग खारोड़ी में, हरिद्वार में जो बैठे वहाँ पर शौचालय की कमियाँ हैं, ये सब वहाँ का मैं देख चुका, मुझे मालूम है, इसको मुझे पहले दूर करना, जो वहाँ की आम पब्लिक जो समस्या है उसे मैं मुझे पहले दूर करना।